वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार फटाफट बता दो भाई, आज थोड़ा सा कोई गेस्ट आने थे तो मैंने सोचा क्लास आधा घंटा लेट कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था आप लोगों को कि 1:30 बजे से क्लास होगी, है ना? तो आप लोगों को मैसेज मिल ही गया होगा। और मुझे एक बार बस ये बता दो, स्लाइड ठीक ठाक दिखाई दे रही है? हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे थे दोस्तों UNO, बताइए आवाज आ रही है और ये दिखाई दे रहा है सब कुछ? बता दो भाई, ऑल क्लियर? अंजलि, कोई और बच्चा, सबको क्लियर है ना? ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे UNO, और UNO में मैंने आप लोगों को बताया था कि UNO में मैंने आपको जो स्लाइड दी थी 142 स्लाइड के आसपास है, हमें पूरा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। यूएन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि यूएन क्या है, कब इसका गठन हुआ, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, इसकी कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, मोटे मोटे तौर पे ये हमने देख लिया। अरे भाई, अब हमको ना बेसिकली देखना होगा कि आखिर जो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि यूएन में सुधारों की जरूरत क्यों है। मेंस का मुद्दा यहीं से शुरू होता है, बाकी सब पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। IMF का मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, WHO क्या है, ये सब बेसिकली पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ, WHO इंपॉर्टेंट हुआ था कोविड के कारण, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इंपॉर्टेंस होगा, वो आपको यूट्यूब वगैरह पे मैं करवा दूंगी, यहाँ उसकी स्पेशली जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आखिर क्यों यूएन में सुधारों की जरूरत है। तो आपको पता है यूएन का गठन हो गया 1945 के बाद से, है ना? यूएन के गठन के बाद से विश्व की परिस्थितियां बदली हैं, है ना? इसके साथ ही हम देखें कि यूएन का जो स्थायी ये है, क्या नाम है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उस सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है केवल 5 है, तो भाई उनका भी विस्तार होना चाहिए। और भी बहुत सारे एंगल हैं जिनके आधार पर हमको सोचना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात से भारत संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के प्रयास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विश्व के बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं कि यूएन में सुधार हो, जिसमें भारत भी एक अग्रणी भूमिका के तौर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ताकि इस वैश्विक निकाय की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता में वृद्धि हो। जितना लोकतंत्रीकरण होगा यूएन का, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसके डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होगा या फिर अन्य जो सुधार होंगे, उतना एक हम बेहतर संगठन बना पाएंगे इसे, और इसकी विश्वसनीयता में वृद्धि कर पाएंगे, है ना? इसी के साथ यदि देखें कि साथ साथ परिवर्तित होती हुई वैश्विक वास्तविकताओं के प्रति इसे अधिक प्रतिनिधि मूलक बनाया जा सकेगा। यदि इसमें सुधार हुए तभी ये प्रतिनिधि मूलक बन सकेगा, तभी ये बेहतर संगठन के तौर पे काम कर सकेगा। समय काल परिस्थिति आप देखोगे, 1945 के बाद से कितने साल हो चुके हैं, अभी तक कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं हुआ है यूएन में। तो भाई, जो समय के साथ साथ नई नई समस्याएं आ रही है, तो उन समस्याओं के अनुरूप यूएन में भी परिवर्तन होना जरूरी है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी, और प्रस्ताव से 3 प्रमुख शिकायतें सामने आई। बेसिकली 3 दिक्कतें सामने आई कि आखिर दिक्कतें क्या है यूएन के साथ। तो पहली दिक्कत थी, सुरक्षा परिषद अब समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ठीक है, 1945 में हम मान सकते हैं कि 4-5 कंट्रीज प्रमुख थी, लेकिन यदि आज का विश्व उठा के देखोगे, तो आज विश्व स्तर पे आपको बहुत सारी ऐसी कंट्रीज मिलेंगी, जैसे भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इसके साथ ही आपको ब्राजील हो गया, है ना, या यूरोप की कंट्रीज हो गई। इस तरीके के कंट्रीज का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जो मांग है वो समय समय पे चलती रही है। तो वही बोल रहा है कि सुरक्षा परिषद की भी अगर बात करें, तो आज जो समकालीन वास्तविकताएं थी, समकालीन राजनीतिक वास्तविकताएं थी, वो बदल चुकी है, है ना? तो उसके अनुसार सुरक्षा परिषद में सुधार होना लाजमी सी बात है। दूसरा, इसके निर्णयों में केवल पश्चिमी मूल्य और हित ही परिलक्षित होते हैं, इसमें कुछ शक्तियों का प्रभुत्व है। यदि हम यूएन की बात करें, तो यूएन सुरक्षा परिषद की भी बात कर ले या यूएन की बात करें, तो भाई आपको जो भी यूएन के निर्णय दिखेंगे वो पश्चिमी शक्तियों से प्रभावित होते दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यूएन है तो
एक वैश्विक संगठन, लेकिन उसमें एक क्षेत्र के देशों का ज्यादा प्रभुत्व है, तो इसलिए सुधार की जरूरत है। और इसमें एक समान प्रतिनिधित्व का भाव, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यदि ये एक वैश्विक संगठन है तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है भाई, आप सिक्योरिटी काउंसिल में पूरे विश्व के देशों को तो नहीं शामिल कर सकते, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन कम से कम आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो दो, यूरोप से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, अमेरिका से, एशिया से, समझ रहे हो, यानी हर एक महाद्वीप का कम से कम रिप्रेजेंटेशन तो लाओ उसमें। तो वही बोल रहा है कि भाई यदि हम आज यूएन की बात करें तो आपको पश्चिमी निर्णय प्रभावित होते हुए दिखेंगे, एक समान प्रतिनिधित्व का भाव दिखेगा आपको। इसके साथ ही जो समकालीन राजनीतिक वास्तविकताएं हैं, सुरक्षा परिषद उसका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अब यदि इसलिए आप कहोगे कि देखो भाई समय काल परिस्थिति के अनुसार सुरक्षा परिषद में सुधार होना जरूरी है, सुरक्षा परिषद के नए स्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए प्रभावित कुछ मानदंड होते हैं। भाई जब भी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के तौर पे किसी को शामिल किया जाता है या स्थायी सदस्यों के तौर पे किसी को शामिल किया जाता है तो उसके कुछ मानदंड होते हैं। एक नया सदस्य कैसा होना चाहिए, इन मानदंडों का पता होना चाहिए आप, है ना। मान लो कोई यूएन का मेंबर बन रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि भाई हम किसी ऐसे देश को मेंबर बना देंगे जो खुद ही उन मानदंडों पर खरा नहीं उतरता। तो वो मानदंड क्या है, पहली बात तो एक प्रमुख आर्थिक शक्ति होनी चाहिए जी, एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर होना चाहिए वो कंट्री जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनेगा, सैन्य शक्ति भी होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएन से एक क्वेश्चन बनता है कि क्या वो समय आ गया है जब भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्य दे दी जानी चाहिए। आप कितने सहमत है इस बात, क्या वो सही समय आ चुका है? तो जब वो सही समय आने की बात होगी ना तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के लिए कुछ मानदंडों का होना जरूरी है कि भाई एक प्रमुख आर्थिक शक्ति हो वो देश, एक प्रमुख सैन्य शक्ति हो, संयुक्त राष्ट्र के बजट में महत्वपूर्ण योगदान देता हो, भाई जो संयुक्त राष्ट्र यूएन का जो बजट है उसमें फंडिंग वगैरह करता हो, महत्वपूर्ण योगदान देता हो, जनसंख्या की दृष्टि से भी एक विशाल देश हो, ऐसा राष्ट्र जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कंट्री होनी चाहिए जो डेमोक्रेसी को भी माने, जो ह्यूमन राइट्स को भी माने, सम्मान करे उनका, ऐसा राष्ट्र जो परिषद में भूगोल, आर्थिक व्यवस्था, संस्कृति के संदर्भ में विश्व की विविधता का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्व करता हो, यानी क्षेत्रफल, वही बात है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा हो, आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो, सांस्कृतिक विविधता हो और वैश्विक विविधताओं का भी सम्मान करता हो, तो इस तरीके की कंट्री होनी चाहिए, तभी उसको मेंबरशिप दी जाएगी। एक संबंधित मुद्दा सदस्यता की प्रकृति को पूर्णतया परिवर्तित किए जाने को लेकर भी था। उदाहरण के लिए कुछ ने इस बात पर बल दिया कि 5 स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति को समाप्त, ये तो फिर एक अलग बिंदु आ गया। हमने क्या देखा कि भाई यूएन 1945 में गठित है, इसमें सुधार की जरूरत है, क्यों सुधार की जरूरत है वो 3-4 पॉइंट देखे। उसके बाद हमने देखे कि भाई किसी भी कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर तब बनाया जाता है जब वो कुछ मानदंडों को पूरा करे, वो मानदंड हमने देखे। अब हम जब भारत की सदस्यता को देखेंगे ना कि भारत को क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बना दिया जाना चाहिए, तो इन मानदंडों का यदि हम अपने आंसर में जिक्र कर देते हैं तो नंबर बढ़ जाएंगे। हम बताएंगे कि देखो भाई कुछ कुछ मानदंड है और भारत इन सभी मानदंडों पर खरा उतरता है, तो इसलिए भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो ये मुद्दा तो यहीं पे खत्म हुआ। यहाँ पे एक अगला सुधार का मुद्दा ये आया कि कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि भाई जो यूएन की प्रकृति है ना उसको बिल्कुल बदल दो, आप थोड़ा बदल के देखो, उसके नेचर को बदलो, उसमें आप आधारभूत परिवर्तन करो। और इन्हीं कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता की बात है, उस स्थायी सदस्यता की वीटो शक्ति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वीटो का पता है ना आपको, 5 स्थायी सदस्य हैं यूएन के, इन 5 में से मान लो 4 कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए और 1 कह रहा है कि ना, तो वो काम नहीं होगा, समझे। यानी 4 भले ही हां कहें, 1 ने यदि ना कह दिया तो आंसर होगा ना। ये है वीटो पावर। इस वीटो पावर का समय समय पे विरोध किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीटो का पावर का जो प्रयोग है राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए लेते हैं ये 5 देश।
जो इनके अनुकूल मुद्दा है उसको हाँ कह देंगे, जो इनके प्रतिकूल मुद्दा है उसको ना कह देंगे। इन्हें विश्व व्यवस्था से, यूएन के जो लोकतांत्रिक सुधार है उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये वीटो पावर ही खत्म कर दो ना। कुछ लोग मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जो वीटो है वो डेमोक्रेसी की अवधारणा और संप्रभुता की समानता से मेल नहीं खाता। बिल्कुल सही बात है, एक तो डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है बहुमत का शासन, वो एक अलग बात है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी तो ये कहेगी भाई चार लोग यदि हाँ कह रहे हैं, एक ना कह रहा है, तो आंसर हाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है आंसर ना। तो एक तो ये डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ही प्रतिकूल है, और दूसरा पॉइंट है कि संप्रभुता की समानता से मेल नहीं खाता। संप्रभुता की समानता का क्या मतलब है? कि भाई ये पांच जो मेंबर्स हैं, और भारत है या फिर जो ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, या जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ये अगर ना कर देंगे किसी डिसीजन को तो ना, तो फिर ये क्या है भाई? ये संप्रभु नहीं है क्या? ये सॉवरेन नहीं है क्या? तो ये जो वीटो पावर की जो बात है ना, आलोचकों का कहना है कि ये डेमोक्रेसी के भी उलट है, डेमोक्रेसी से भी मेल नहीं खाती और ये संप्रभुता की समानता से भी मेल नहीं खाती है। और उनका विचार है कि वर्तमान दौर में वीटो उचित या प्रासंगिक नहीं है। यदि हम वर्तमान की भी बात करें तो वीटो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उचित नहीं है। तो यहां तक आते आते आप लोग ये बता सकते हो कि भाई यूएन में सुधारों की जरूरत है, क्यों सुधारों की जरूरत है, और क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या मानदंड होने चाहिए सुधारों के। और जो वीटो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लोग सुधारों की बात करते हैं कि वीटो शक्ति को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वीटो शक्ति कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और कहीं ना कहीं सोवरेनिटी की समानता के खिलाफ। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र और भारत। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आखिर क्या संबंध है भारत और यूएन का, एक बार मुझे यहां तक बता दो भाई। कल मेरे ख्याल से कई बच्चे बोल रहे थे कि मैम लास्ट क्लास कब है, शायद विनीता ने ही पूछा था। कल मेरे ख्याल से इसकी लास्ट क्लास होगी, क्योंकि देखो एक बार बात कर लेती हूँ मैं, आशियान बच गया, ब्रिक्स बच गया, एससीओ में करवा चुकी हूँ। अगर आपको याद हो तो मैं उसके नोट्स अवेलेबल करा दूंगी, एससीओ में डिटेल से करवा चुकी हूँ आप लोगों को। मैंने आई थिंक चाइना में करवाया है कि मिडल कंट्रीज में करवाया है, ये मेरे को याद नहीं है, है ना। तो हमारा इब्सा, आशियान, ब्रिक्स, इसके अलावा और क्या बच गया भाई, कोई बताएगा मुझे? इसके अलावा हमारा AIIB वगैरह बच जाएगा, जो I2U2 वगैरह है ना, ये I2U2U2 पे करेंगे, ये करंट का टॉपिक है। क्या बोल रहे हो, सेपरेट ही SCO की है? हाँ सेपरेट मुझे याद है रामेश्वरी, मैंने SCO करवाया है और डिटेल से SCO करवाया, लेकिन फिर भी मैं दूसरे नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगी जिसमें दो चार पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। PDF सेंड कर देना प्लीज। हाँ जो मेरा है ना ADB बच गया। ADB वगैरह में कुछ नहीं है यार, ये फैक्चुअल सी चीजें हैं, PT वगैरह में पढ़ोगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ADB वर्सेस ये जो WTO वगैरह के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है ना। तो कल हमारी ऑलमोस्ट लास्ट क्लास होगी IR, तो IR हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है ना, जिसमें मैं आपको ये कल सारे संगठन एक ही साथ करवा दूंगी। आशियान मुश्किल से एक घंटे का संगठन है, ब्रिक्स में 15-20 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लग जाएगा। माइक ऑन कर देती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, डाउट है भाई? माइक ऑन कर दिया बच्चे, पूछो। गुड आफ्टरनून बच्चे, उल्लंघन नहीं होना चाहिए और मतलब बड़ी जनसंख्या होनी चाहिए, तो जैसे चाइना अपनी आक्रामकता से मतलब बाज नहीं आ रहा है, तिब्बत को कब्जा लिया, और वैसे भी मुस्लिम उगर मुस्लिम पे जितने अत्याचार हो रहे, तो क्या उसकी जो स्थायी सदस्यता को नहीं हटाना चाहिए क्या मैम? हम ना ये नहीं बोल सकते कि चाइना की स्थायी सदस्यता को डायरेक्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है,
लेकिन हाँ हम ये बोल सकते हैं कि मानवाधिकारों को प्रमुखता हाँ, मतलब जिस कंट्री में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है या फिर जिस उद्देश्य से यूएन में स्थायी सदस्यता दी है मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पीस कायम करने के लिए, लेकिन जो देशों के हाथ में जितना पावर दी है तो वही उन चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे उन्हीं के खिलाफ अगर कुछ प्रस्ताव लाना रहता तो वो खुद की कंट्री को मतलब बायकॉट कर देते हैं, वीटो कर देते, तो फिर न्याय की अवधारणा कहाँ गई? मतलब ये तो नहीं बोल सकते ना कि मतलब वीटो पावर मिल गया तो उन्हीं के हाथ में सब कुछ हो गया, लेकिन जब बात आती है मतलब जस्टिस हो तो वो खुद ही अपने मतलब हित के लिए खुद ही वीटो कर रहे, तो फिर न्याय की अवधारणा तो कहीं ना कहीं अवमानना हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट पॉइंट है, एकदम लिख सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, है ना। तो सुधार वाले में आपको पता है मेरे नोट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, सुधार अभी सुधार का एक पार्ट कर, धीरे धीरे अभी हम पूरा जब कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अभी हम इंडिया और यूएन को पढ़ेंगे, है ना, उसमें भी आपको काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। वैसे आप बिल्कुल लिख सकते हो और आपने एकदम सही डायरेक्शन में सोचा है, वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट, भारत और यूएन को एक बार फटाफट देख लेते हैं। भारत की क्या भूमिका रही है भाई यूएन में, आखिर क्यों भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत स्टार्टिंग से ही संस्थापक कंट्री है यूएन की। भारत यूएन का संस्थापक सदस्य है, 1945 से ही यूएन का सदस्य रहा है। शांति स्थापना मिशन, जितने भी पीस कीपिंग मिशन होते हैं यूएन के, ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़े भागीदारों में से एक है। सबसे बड़ा भागीदार नहीं है, सबसे बड़े भागीदारों में से एक है भारत। अलग अलग है पीस कीपिंग मिशन जाते हैं यूएन के, जैसे मान लो कहीं पे विद्रोह हो गया तो यूएन अलग अलग देशों से सेनाएं भेजता है वहां पे, मतलब ऐसे लड़ने के लिए नहीं, पीस कीपिंग के लिए, शांति स्थापना के लिए। तो भारत काफी बड़े स्तर पे योगदान देता है इन शांति स्थापना मिशनों में। 43 मिशनों में भागीदारी की है भारत ने आज तक, लगभग 43 जो शांति मिशन है यूएन के उनमें भागीदारी की है, और वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है। बहुत बड़ी बात है ये, तो आप देख सकते हो कि भारत कितना सक्रिय तौर पर यूएन से जुड़ा हुआ है ना। अगला, विउपनिवेशीकरण। तो जब विउपनिवेशीकरण की बात आई तो उस समय भारत ने बड़े स्तर पे भूमिका निभाई है, जैसे औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने की 1960 की ऐतिहासिक घोषणा का भारत सह प्रायोजक था। जब 1960 में ऐतिहासिक घोषणा की गई भाई विउपनिवेशीकरण होना चाहिए, है ना, उपनिवेश नहीं बनाना चाहिए किसी कंट्री को, तो भारत सह प्रायोजक था। भारत को विउपनिवेशीकरण समिति, इसमें 24 सदस्य समिति थी, ये पहला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। यहां भारत द्वारा विउपनिवेशीकरण हेतु किए गए सतत प्रयास रिकॉर्डों में भली भांति, मतलब जो रिकॉर्ड्स है, भारत ने भली भांति विउपनिवेशीकरण की दिशा में बड़े स्तर पर प्रयास किए हैं यूएन से जुड़ के। एक विउपनिवेशीकरण समिति बनाई गई थी, उसका अध्यक्ष भी रहा है भारत। तो ये भूमिका देख रहे हो भारत की कि आखिर भारत कैसे कैसे जुड़ा हुआ है यूएन से, समझे। संस्थापक सदस्य है, शांति मिशनों से जुड़ा रहा है, 43 शांति मिशनों से में भागीदारी की है, विउपनिवेशीकरण से जुड़ा हुआ है भारत एक्टिव तरीके से। इसके साथ और क्या किया भारत ने यूएन से जुड़ के, रंग भेद, दक्षिण अफ्रीकी भेदभावपूर्ण शासन पद्धति के खिलाफ जो है इन्होंने, भारत ने बड़ी भूमिका निभाई। इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र 1946 में उठाने वाला भारत पहला देश था। भारत वो पहली कंट्री थी जिसने रंग भेद जैसे मुद्दे को 1946 में उठाया था यूएन के सामने। महासभा द्वारा रंग भेद के विरुद्ध गठित उप समिति के गठन में भी भाई एक, फिर महासभा ने रंग भेद के विरुद्ध एक समिति गठित की। इस समिति का भी भारत मेंबर रह चुका है, या फिर इस समिति में भी भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई। तीन काम याद रहेंगे भारत के यूएन से रिलेटेड, कैसे इंपॉर्टेंट है भारत यूएन के लिए, ठीक है। अगला, 1965 में जब इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द कन्वेंशन ऑन ऑल फोर्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, 1965 में एक कन्वेंशन हुआ था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वही रंग भेद के आधार पे उसको अंगीकृत किया गया, तो उस समय भारत प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, यानी रंग भेद के खिलाफ प्रयास करता रहा। और जब कन्वेंशन आ गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, तो भारत उस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर करने वाले प्राथमिक देशों में से एक, तो भारत ने इस दिशा में भी काफी प्रयास किए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो आप। अगला, और क्या किया जी, भारत कैसे जुड़ा है यूएन के लिए, भारत क्यों इंपॉर्टेंट है।
आतंकवाद आपने पढ़ा होगा, जैसे जैसे मैंने आतंकवाद पढ़ा है तो सीसीआईटी, मैंने आपको बोला इसका जिक्र करना है हर जगह मेंस में, सीसीआईटी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। तो आतंकवाद का सामना करने हेतु एक सुगृहीय विधि ढांचे के निर्माण के उद्देश्य से भारत ने 1996 में 1996 में जब विश्व बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था आतंकवाद से, भारत की दूरदर्शिता देखिए, 1996 में ही भारत ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म मसौदे के निर्माण में मार्गदर्शन किया और इसके शीघ्र अंगीकरण हेतु कार्य करना भी जारी रखा। यानी आतंकवाद जैसे मुद्दे पे भी भारत पूरे विश्व से आग्रह करता रहा है 1996 से ही कि एक मंच पे आके इसका विरोध करो, वरना ये सबका विरोध कर देगा। और आतंकवाद मतलब आज पहले पश्चिमी देश हमारी समस्याओं को समझते नहीं थे, लेकिन जब खुद पे बनी तो ये लोग जागे हैं, तब अब जाके इस दिशा में प्रयास होने शुरू हुए हैं। तो आतंकवाद की दिशा में भारत के प्रयास हमने देखे जो कि यूएन से रिलेट होते हैं, है ना। इसके अलावा वित्तीय योगदान, यदि हम वित्तीय योगदान की भी बात करें तो यूएन के बजट में 0.7% के साथ भारत 24वां सबसे बड़ा योगदान करता है। यूएन के मेंबर कितने हैं, 193 मेंबर हैं यूएन के, और भारत यूएन में योगदान करने वाला 24वां सबसे बड़ी कंट्री है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वित्तीय योगदान भी हम बड़े स्तर पे करते हैं यूएन को। अगली बात, गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम और G77 के, अच्छा हाँ नैम हमारा हो गया है भाई, किसी को याद है, मैं बीच में फिर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है और नैम को मैंने इतने शानदार तरीके से करवाया है आप लोगों को, कुछ याद है आपको, फिर आऊंगी मैं यहाँ पे, एक बार बस मुझे ये बता दो, नैम हो रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, नैम की प्रासंगिकता से लेके सारी चीजें करवा चुकी हूं मैं, याद है ना आप लोगों को, ठीक है, बहुत बढ़िया, याद है तो बीच में नैम दिख गया तो फिर कहो कि मैम ने ये इतना इंपॉर्टेंट संगठन छुटवा दिया, सबसे पहले संगठनों में से एक था जो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, विदेश नीति के टॉपिक के साथ हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। एनीवे, गुट निरपेक्ष आंदोलन और G77 के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने यूएन में विकासशील देशों की समस्याओं के समाधान, आकांक्षाओं, अपेक्षाकृत अधिक न्याय संगत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक अग्रणी समर्थक के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन और G17 क्या बोल रहा है ये, यानी विकासशील देशों के मुद्दों को यूएन के सामने रखना, विकासशील देशों की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को यूएन के सामने रखना, भारत रखने में भी भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई है गुट निरपेक्ष आंदोलन और G77 के माध्यम से, ये विकासशील देशों के संगठन हम मान सकते हैं। तो इस तरीके के संगठनों में भी भारत अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और विकासशील मुद्दों, विकासशील देशों के मुद्दों को इन संगठनों के माध्यम से उठाता रहा है, इसमें यूएन में। तो इतने सारे काम भारत ने किए हैं और केवल इतने ही नहीं, अभी तो और भी लिखेंगे हम इसमें, जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत बड़े स्तर पे प्रयास कर रहा है, हमने सौर गठबंधन बनाया है, हमने पेरिस पीस ट्रीटी से लेके हर पे हम अग्रणी रहे हैं हस्ताक्षर करने में। यानी जलवायु परिवर्तन आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है, उस समस्या के समाधान के लिए भी भारत अग्रणी भूमिका निभाता रहा है, निभा रहा है। समझ में आई भारत और यूएन का जुड़ाव कैसे है, ये सारे के सारे पॉइंट आपके यूज हो जाएंगे किसमें, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि क्या भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, अगर हाँ तो क्यों, तो आप बताओगे ये सारे पॉइंट कि भाई संस्थापक है, शांति स्थापना मिशन से लेके व्यू उपनिवेशीकरण, रंग भेद, आतंकवाद, वित्तीय योगदान, विकासशील देशों का नेतृत्व करता है ना, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, तो ये सारे मुद्दे हमें बताने पड़ेंगे। यदि भारत और संयुक्त राष्ट्र को देखें तो समकालीन वास्तविकताओं को प्रदर्शित करने हेतु सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों ही श्रेणियों के विस्तार के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुधार के प्रयासों में भी, और भी बता रहा है ये, और क्या कर रहा है भारत, अच्छा उसी का आगे चल रहा है ना, भारत जो है यूएन के सुधारों के लिए भी अग्रणी राज्यों में से एक है। यानी यूएन में सुधार की मांग तो चल रही है, स्थायी सदस्य बढ़ाएं या स्थायी सुरक्षा परिषद में सुधार और महासभा में सुधार, है ना, या स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों ही श्रेणियों के विस्तार संबंधी बातें जो चल रही हैं, ऐसे
सुधारों के मुद्दे उठाने वाले देशों में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों की संख्या में वृद्धि का समर्थन करता है कि भाई सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए यूएन को भी, है ना, विस्तार होना चाहिए यूएन का। तो भारत भी समर्थन करता है स्थायी और अस्थायी दोनों जो की संख्या में वृद्धि का। इसके प्रतिनिधियों ने तर्क दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों में काफी विस्तार हुआ है। सुरक्षा परिषद के कार्यों की सफलता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राजनीतिक समर्थन पर निर्भर करती है, यानी कहीं ना कहीं आप इतना उलझना नहीं है, आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं विश्व भर से आवाजें उठ रही हैं यूएन में सुधार के लिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता और अस्थायी सदस्यता के विस्तार के लिए, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने सुझाव भी दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुधार व्यापक आधार प्राप्त व सर्वव्यापी होने चाहिए, यानी जो सुधार होंगे ना यूएन में वो व्यापक आधार वाले होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सर्वव्यापी होने चाहिए, और यह परिवर्तन केवल इसके सचिवालय तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। और इसके साथ ही यदि और भारत की बात की जाए तो भारत अलग अलग समय में सुरक्षा परिषद का सदस्य भी रहा है। कौन सा सदस्य? अस्थायी सदस्य, है ना, समय समय पे लगभग अलग अलग समय में भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य भी रहा है। इनफैक्ट अभी हाल में भी बना है, अभी मैं करंट भी इसके साथ ही करवाऊंगी आप। तो ये सारा इंपॉर्टेंस दिखता है भारत का क्या रोल है यूएन में, या भारत ने क्या क्या किया है यूएन से जुड़ के। बिल्कुल फंडा क्लियर, क्या क्या किया है जी यूएन से जुड़ के। भारत और यूएन से रिलेटेड यदि आपसे कोई कुछ पूछे तो आप बताओगे ना कि क्या क्या है जी, भारत की क्या भूमिका रही है यूएन। माइक ऑन कर दो, माइक एक मिनट रुको, एक मिनट यार, ऑन करके काहे ऑफ हो गया, ऑन कर दिया बच्चे, पूछो। हेलो मैम, मैम जैसे यूएन में जैसे अमेरिका है और ब्रिटेन वगैरह जो डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, तो उनकी कोई कीप ये फोर्स नहीं है यूएन के अंदर, और जैसे भारत है तो भारत की फोर्स है वहां पे अपने, मतलब इतने ऑपरेशन में 200 शहीद हो चुके हैं अपने भारतीय, तो क्या ये पॉइंट कहा है देखा, मतलब जैसे अमेरिका है तो वो बोल रहा है कि मतलब मेरे नागरिकों की जान ज्यादा प्यारी है तो वो सिर्फ पैसे प्रोवाइड कर रहा है एज कम्पेयर टू हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कई पॉइंट यूज कर सकते हैं क्या मैम? मतलब इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं लगती, ठीक है। अब अमेरिका अपना पार्टिसिपेशन अलग तरीके से दे रहा है भारत, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका बिल्कुल भी सैन्य सहयोग नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। अमेरिका भी पीस कीपिंग मिशन से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, बहुत बड़े स्तर पे डेवलपिंग कंट्रीज को आप देख सकते हो, जैसे भारत तीसरा सबसे बड़ा पीस कीपिंग फोर्स देने वाला कंट्री है, लेकिन ये पॉइंट और लेडीज की भी फर्स्ट ही टुकड़ी भारतीय ही है, मतलब लेडीज को शामिल की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात अलग है, लेकिन ना इसको कहीं ऐड करने का बहुत ज्यादा तुक बनता नहीं है, है ना। बाकी हमारे पास सुधार के बहुत सारे विषय है ना, हम उनको प्रायोरिटी नहीं, मैं मतलब मेरे मन में आया तो मैं बोली कि आपसे मतलब डिस्कस करके पूछ लूं कि क्या ये पॉइंट कहीं इंक्लूड कर सकते हैं क्या। हाँ नहीं नहीं, वैसे तो पॉइंट ये वैलिड है, इसमें कोई शक ही नहीं है, है ना, लेकिन बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स होंगे, हम उनको यूज कर ले लास्ट में कंक्लूजन में कह सकते हैं कि भाई कई विद्वान या कई आलोचक कहते हैं कि यूएन की एक अपनी सेना होनी चाहिए जिसमें जो मेंबर्स हैं वो अपने क्षमता के अनुसार पार्टिसिपेशन करें, है ना, लेकिन बीच में लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, चले आगे। इसके अलावा जब आप ये देख लोगे ना कि भारत और यूएन का क्या मसला है, दोनों के रिलेशंस कैसे हैं, तो उसके बाद आप एक बार देख लो फटाफट, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जरूरी है भाई भारत इतना क्यों प्रयास कर रहा है, और भारत को मिलनी भी चाहिए क्यों स्थायी सदस्यता से जुड़ा हुआ मसला। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत स्वयं पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, हम स्वयं एक स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं। भारत के दावे के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत को यूएन की सदाई क्या अब सही समय आ गया है भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता मिलने का, आपके क्या विचार है? तो आप बताओगे कि भाई भारत भी आकांक्षा रखता है और इसके
मिलने के निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं कि क्यों स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए भारत को सुरक्षा परिषद में। पहला, भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व का दूसरा देश है। भाई भारत जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है ना। इनफैक्ट अब तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला, दूसरा थोड़ी ना है भाई, दूसरा काटो। मैंने मानदंड बताए, यदि आप लोगों को मानदंड याद है ना, तो आप सारे मानदंडों के आधार पर भारत को वो कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि भाई एक एक मानदंड के आधार पर यदि हम देखें तो भारत एक एक मानदंड पर खरा उतरता है, तो भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला मानदंड है जनसंख्या। आज हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली कंट्री है। दूसरा, हम विश्व के सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है। तीसरा, भारत ने यूएन की लगभग सभी पहलों में भाग लिया है, यानी हम बड़े स्तर पे पीस कीपिंग मिशंस में पार्टिसिपेशन करने वाली कंट्रीज है। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना प्रयासों में वही हो गया। वैश्विक मंच पर भारत का आर्थिक उद्भव है, आज भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो संभवतः सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को न्याय संगत ठहराता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में नियमित रूप से वित्तीय योगदान भी किया है, हम 24वें सबसे बड़े वित्तीय योगदान करने वाले देश हैं, 0.7% देते हैं यूएन की जीडीपी का। कभी भी अपने भुगतान में विफल नहीं हुए हैं, हमने कंटिन्यू भुगतान किया है यूएन को, हम वित्तीय योगदान देते रहे हैं यूएन को। इसके साथ ही इसकी सैन्य शक्ति और परमाणु प्रसार के मामले में जिम्मेदारी पूर्ण रवैया, इसके भाई भारत की सैन्य शक्ति को देख लो, भारत बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है, लेकिन हमारी परमाणु नीति देख लो, जिम्मेदारी पूर्ण परमाणु नीति रवैया है हमारा कि भाई हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, है ना, नो फर्स्ट यूज। तो इतने सारे आधारों पर जब हम देखेंगे भारत को खड़ा करके, तो जितने मानदंड होते हैं यूएन की स्थायी सदस्यता के, उन सभी मानदंडों पर भारत खड़ा उतरता है। और इसी के साथ भारत यूएन के साथ पॉजिटिव तरीके से जुड़ा हुआ है शुरू से, तो संस्थापक सदस्य रहा है, शांति पीस मिशन से लेके आतंकवाद से लेके जलवायु परिवर्तन से लेके मानवाधिकारों के मुद्दे से लेके, मानवाधिकारों का मुद्दा ही तो आएगा रंग भेद वगैरह में, या फिर विकासशील देशों के अग्रणी नेता के रूप में। तो यदि हम इन मानदंडों के आधार पर भी देखें तो भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, भारत का दावा मजबूत होता है इन आधारों पे स्थायी सदस्यता का। भारत को इस बात का आभास है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रतीकात्मक महत्व है। भाई यदि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कोई है तो उसका तो महत्व तो है ना प्रतीकात्मक, यह वैश्विक मामलों में देश के बढ़ते महत्व, इससे देश का महत्व बढ़ेगा। उच्च स्थिति किसी देश की विदेश नीति के संचालन में लाभप्रद हो सकती है। शक्तिशाली होने की प्रतिष्ठा किसी राष्ट्र को और अधिक प्रतिभाशाली, ये बोल रहा है कि क्यों भारत ऐसा चाहता है कि उसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो भारत इसलिए चाहता है कि भाई देखो, स्थायी सदस्यता मिलेगी तो उसका एक प्रतीकात्मक महत्व होगा, हमारा महत्व बढ़ेगा विदेशी जो वैश्विक मामले हैं उसमें हमारा महत्व बढ़ेगा, साथ ही हमारी विदेश नीति के संचालन में ये बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। भारत ने G4 समूह, G4 है देश, याद रखेगा G4 समूह है एक, ये उन देशों का समूह है जो यूएन में सुधार का समर्थन करते हैं, या इसे हम कम शब्दों में कहें तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनना चाहते हैं। इन G4 में है शामिल ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत। कहां गया भारत? तो नामक समूह में ब्राजील, जर्मनी, जापान जैसे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के दावेदार देशों के साथ सुरक्षा के परिषद विस्तार हेतु समन्वय स्थापित किया है। तो ध्यान रखिएगा, इस G4 के साथ भी भारत समन्वय स्थापित कर रहा है ताकि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भारत को बना दिया जाए। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत? यूएन से यदि क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा, बाकी फिर ये है ना मैम, आपने ये क्या थे, ये जो यूएन के अलग अलग इकाइयां हैं, यूटीओ और पता नहीं क्या क्या, ये सब पीटी के फैक्ट है। क्वेश्चन बनेगा यूएन पे तो यही बनेगा, या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूएन में सुधार क्यों अपेक्षित है, क्यों होना चाहिए यूएन में सुधार, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगला, जैसे संयुक्त राष्ट्र परिषद का वीटो प्राप्त स्थायी सदस्य बनने की भारत की आकांक्षा के बावजूद कुछ अन्य देश भारत को सम्मिलित किए। अब ये फिर एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, यहां तक थे पॉजिटिव पॉइंट कि भारत को क्यों मिलना चाहिए, इससे भारत का क्या फायदा होगा। अब साथ ही हम देखेंगे कि भारत को ये वीटो प्राप्त स्थायी सदस्यता मिलने का विश्व के कुछ देश विरोध करते हैं, प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न कौन उठाएगा? हमारा सबसे सगा, कौन सगा नहीं है भाई, नाग बैठा है पड़ोस में। तो
तो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसके साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है। एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो भारत को वीटो प्राप्त स्थायी सदस्य के रूप में नहीं देखना चाहता है। मतलब पाकिस्तान तो विरोध करता ही है, पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है कि भारत को वीटो प्राप्त हो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में। कुछ अन्य देश भी भारत की परमाणु क्षमताओं से चिंतित हैं। इस साझा उद्देश्य वाले इस गठबंधन को यूनाइटेड ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉफी क्लब, हाँ ये लिखा भी है, कॉफी क्लब भी बोलते हैं इसको, यूनिटिंग फॉर कंसेंसस नाम से, या फिर इसे कॉफी क्लब भी बोलते हैं, जिसमें इटली, पाकिस्तान के अतिरिक्त अर्जेंटीना, कैनेडा, कोलंबिया, माल्टा, मेक्सिको, सान मेरिनो, स्पेन, दक्षिण कोरिया, टर्की इत्यादि शामिल हैं। इन्हें कॉफी क्लब बोलते हैं। कॉफी क्लब बेसिकली भारत या फिर अन्य देशों की, या फिर हम कह सकते हैं सुरक्षा परिषद में सुधार का समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं, नकारात्मक रवैया अपनाते हैं। तो ये कॉफी क्लब भी भारत की दावेदारी का विरोध करता है कि भारत को वीटो नहीं मिलनी चाहिए संयुक्त परिषद की सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसकी ये स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, भाई आप लोग खुद देख लेना, ये मेरा काम नहीं है, ये सब आप अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, आईसीसी, ये सब पीटी में पढ़ेंगे। एक बार बता देती हूँ फिर भी, देखो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इसे आईसीसी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट करके है, जांच करता है तथा जहां आवश्यक हो ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंतनीय गंभीरतम जो अपराध होते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल के जो अपराध है, जैसे नरसंहार हो गया कहीं पे, युद्ध अपराध हो गए, मानवता के विरुद्ध अपराध हो गए, आक्रामकता के अपराध हो, में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चला, यानी वैश्विक स्तर के जितने बड़े बड़े अपराध हैं, क्रूरतम, नरसंहार, युद्ध अपराध इत्यादि के मामले में अभियोग चलाता है। आईसीसी की स्थापना आधिकारिक रूप से रोम संविधि के माध्यम से की गई थी, इस संधि पर 1998 में, ये सब पीटी के फैक्ट हैं, फिर इसकी रोम विधि के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी, 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2002 से यह प्रभावित हुआ। ठीक है, ये न्यायालय ना, इसकी स्थापना बेसिकली यूएन के द्वारा नहीं की गई बल्कि एक संधि के द्वारा की गई, रोम संधि उसे बोलते हैं। आईसीसी व्यक्तियों, राष्ट्रों व संगठनों पर नहीं, चार प्रकार के अभी, ये बेसिकली व्यक्तियों पे अभियोग लगाता है। ये सारी चीजें ना मैं आप लोगों को पीटी में पढ़ाऊंगी, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मेंस में इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, कि ये अगर इम्पोर्टेंट है भी तो मोटा मोटा इम्पोर्टेंट है, डीप में जाके नहीं पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी और ये सब, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये व्यक्तियों पे अभियोग चलाता है, अपराधों, व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराधों पे अभियोग चलाता है, राष्ट्रों और संगठनों पे अभियोग नहीं चलाता। ऐसे व्यक्ति जो नरसंहार के दोषी हो, युद्ध अपराध के दोषी हो, मानवता के विरुद्ध अपराध किया हो, आक्रामकता का अपराध हो, इससे पूर्व प्रभावी शक्तियां प्राप्त नहीं है और इसके अधिकार क्षेत्र देख लेना ये क्या क्या कर सकते हैं, जैसे उन पक्षों और देशों के क्षेत्र जिन्होंने इसके क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया है, जो आईसीसी के क्षेत्राधिकार, मतलब जिन्होंने आईसीसी की मेंबरशिप ले रखी है, जो इसके क्षेत्राधिकार को स्वीकार करते हैं, ये उन देशों से संबंधित मामलों को देखेगा। अन्य देश यदि अपराध उन पक्षों ने या देशों के नागरिकों ने किया है जिन्होंने इसके क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया है, वही है, जो कंट्रीज इसके क्षेत्राधिकार में शामिल होंगे उनसे जुड़े हुए मुद्दों को देखेगा। यदि अपराधों को यूएन चार्टर के अध्याय 7 के तहत स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया, मतलब यदि यूएन का डायरेक्ट रोल है तो ये भी देखेगा उन अपराधों को। ये सारे पीटी के पॉइंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसके चार अंग होते हैं, प्रेसिडेंसी, तीन भाग, अब ये क्या याद करोगे, छोड़ो इसको, बिल्कुल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने करवा दिया, अभी मैं कुछ करंट पढ़ा देती हूँ आप लोगों को, करंट से रिलेटेड जो नई न्यूज आई है यूएन से रिलेटेड। यूएन से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, यूएन की स्थायी सदस्यता का विस्तार क्यों करना चाहिए, या यूएन में सुधार का मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत यूएन से कैसे जुड़ा हुआ है, भारत ने क्या क्या योगदान किया है यूएन के माध्यम से, या हम ये कह सकते हैं कि क्या भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, आप क्या सहमत हैं, विश्व का क्या रवैया है इस पे, तो आप वहां पे कॉफी क्लब इत्यादि का भी जिक्र करके बता सकते हैं। एक बार देख लेते हैं भाई, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पे फिर से निर्वाचित हुआ है, हम सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पे निर्वाचित हुए हैं, भारत 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यूएन अस्थायी सदस्य के तौर पे निर्वाचित हुआ। भारत ने कहा है कि कोई जरूरत नहीं है, भारत
द्वारा पांच प्राथमिकताएं होंगी कि भारत किन किन प्राथमिकताओं पे काम करेगा। भाई मेंबर बना है तो कुछ तो काम करेगा ना, तो भारत ने अपनी प्राथमिकताएं बताई हैं। बोला है एक तो हम प्रगति के नए नए अवसर खोलेंगे, भारत नियमों का पालन करने वाले लोकतंत्र के रूप में वैश्विक जो प्रक्षेत्र है ग्लोबल कॉमन्स में सकारात्मक योगदानकर्ता के रूप में सहभागियों के साथ रचनात्मक रीति से काम करेगा, जैसे विकास को प्रोत्साहित, वही जो नेताओं वाली बातें नहीं होती, हम प्रगति के नए नए अवसर खोलेंगे, हम वैश्विक जो प्राथमिकताएं हैं उनके लिए काम करेंगे, हम विकास को प्रोत्साहित करेंगे, हम इनोवेशन को, हम समावेशी साधनों को सृजित करेंगे, पहली प्राथमिकता भारत ने ये बताई। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ हम कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे और हम CCIT को लागू करवाने का प्रयास करेंगे, वही चीजें। बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में सुधार करवाने का प्रयास करेंगे, विद्यमान बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा परिणाम प्राप्त करने अथवा नई चुनौतियों का सामना करने में अक्षमता पर व्यापक सरोकार, ठीक है, यानी बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार करने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखेंगे, समाधान के चालक के रूप में मानवीय स्पर्श के साथ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, यानी हम इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे और उनका बेहतर तरीकों से प्रयोग करना, भाई तकनीक और इनोवेशन का प्रयोग करना जिससे मानवीय पीड़ा को कम किया जा सके, जीवन यापन में सुधार किया जा सके और प्रत्यास्थ समुदायों का निर्माण करना, कोई जरूरत नहीं है। भारत इन प्राथमिकताओं को 5 स, ये याद रख लेना, स एस नहीं स, यानी 5 स के आधार पे काम करेगा, जैसे सम्मान, संवाद, हम सम्मान करेंगे, हम संवाद बढ़ाएंगे, हम सहयोग करेंगे, हम सार्वभौमिक शांति की दिशा में प्रयास करेंगे और हम समृद्धि के लिए प्रयास करेंगे। 5 स के पॉलिसी के आधार पे काम करेगा, यदि हम एक लाइन में बोले तो, भारत अस्थायी सदस्य बना है, फिर से भारत की कुछ प्राथमिकताएं हैं, आपने देख ली क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी भारत की, आंख बंद करके भी आप लिख सकते हो इन प्राथमिकताओं को, ज्यादा रटना नहीं होता है। क्या प्राथमिकताएं होंगी भाई भारत की, वैश्विक शांति का प्रयास करेगा, बहुपक्षीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण का प्रयास करेगा, आतंकवाद के विरुद्ध काम करेगा, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध काम करेगा, लोगों को साथ लाने के लिए काम करेगा, ठीक है, इनोवेशन और प्रौद्योगिकी का मानव कल्याण के लिए प्रयोग हो इसका प्रयास करेगा, वही है सम्मान, संवाद, सहयोग, सार्वभौमिक शांति और समृद्धि, इस दिशा में भारत प्रयास करने का काम करेगा। ये फिर से वही करंट वाला सुर्खियों में है, आधिकारिक तौर पर 21-22 की अवधि के लिए यूएन आठवां कार्यकाल है भाई ये भारत का, जब भारत यूएन की काउंसिल का अस्थायी सदस्य बन रहा है। भारत परिषद के अध्यक्ष के तौर पे काम करेगा, यह पद प्रत्येक सदस्य देश द्वारा देशों के मतलब बारी बारी एक एक माह तक धारण किया जाता है, ये उस समय की बात होगी, तो एक महीने के लिए कोई बात नहीं, अध्यक्ष बन गया ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में भारत के लिए क्या अवसर है। भारत यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का 8वीं बार मेंबर बना है ना, तो भारत 2 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या कर सकता है, भारत के लिए क्या क्या अवसर है, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है, तो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है सोच के देखो। चलो मैं आपसे पूछती हूँ, भारत बन गया सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य, एक बार बताओ क्या क्या कर सकता है, जितना पढ़ाया है ना वही करेगा भारत, क्या क्या कर सकता है बताओ। पोलियो फ्री करने में इंडिया का बड़ा योगदान, बिल्कुल सही बात है, कोविड वैक्सीन बहुत बढ़िया, कोविड वैक्सीन फ्री देने में इंडिया का योगदान रहा, बिल्कुल सही बात है, नेगोशिएटर है इंडिया जो देशों के बीच कुछ ही, बिल्कुल सही बात है, एकदम तीनों पॉइंट वैलिड है। अब मुझे बताओ भारत क्या कर सकता है, क्या क्या अवसर है भारत के लिए, कोई बताओ यार, पार्टिसिपेशन किया करो, थोड़ा दिमाग खोलो अपना, आप लोग भी यूज करो दिमाग का, ताकि मुझे ये पता लगे कि आप लोग समझ पा रहे हो क्या मींस कितना आसान होता है। एक बार आपको सोचना आने लग गया ना, चीजों को समझना आने लग गया, फिर आप जोड़ तोड़ के बड़ी आंसर लिख दोगे, आंसर नहीं मिल रहे मुझे। कोई तो लिखो भाई, कहाँ चले गए, या तो मैंने, अच्छा लिख रहे हो, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, मानव कल्याण, बिल्कुल सही बात है, जो टेररिस्ट इंडिया के खिलाफ है उसे इंटरनेट, ठीक है, उस मतलब उस पे फाउंडेशन लगवाना, टेररिज्म, शांति, जलवायु, टेररिज्म, ठीक है, जलवायु हो गया, क्लाइमेट हो गया, ठीक है,
यहाँ तक तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑलमोस्ट वही सारी इनोवेशन, एग्जैक्टली इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इतनी बार पढ़ लिया है ना, वही साइंस वैभव में समझ गई, साइंस मतलब वही टेक्नोलॉजी में हम इसका यूज कर लेंगे और उसका मानव के लिए यूज करना है ना, बिल्कुल सही बात है, एनवायरमेंट हो ही गया। अब हम देखते हैं भारत के लिए क्या क्या अवसर है। आप लोगों ने मोटे मोटे मुद्दों को बता दिया और एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था यूएनसी को प्रभावी और प्रतिनिधिक बनाना, मतलब एक प्रभावी बनाना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, प्रमुख शक्तियों के मध्य गहन मतभेदों के कारण सुरक्षा परिषद अल्प प्रभावी होती जा रही है, आर्थिक सैन्य शक्ति के साथ विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी होने के नाते भारत ऐसा नेतृत्व प्रदान करने की विशिष्ट स्थिति में है जो इस प्रकार की वार्ताओं में व्यापक सहयोग करेगा, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ज्यादा प्रभावी बना सकता है भारत, ज्यादा प्रतिनिधिक बना सकता है ना, क्योंकि भारत में वो क्षमताएं हैं, आर्थिक ताकत है, सैन्य ताकत है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है ना, तो भारत प्रभावी बना सकता है यूएनएससी को, पहला अवसर। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के संवाद को मजबूत कर सकता है भारत, आगामी समय में जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और भारत को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर नई पहल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, यानी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए भारत को इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे भारत की प्रमुख पहले है, हमने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया, आज काफी मेंबर हो गए इसके, आपदा प्रत्यास्था अवसंरचना हेतु गठबंधन बनाया है, सीडीआरआई बनाया है, इसे बोलते हैं कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, तो इससे भारत जुड़ा हुआ है। वैश्विक तापन में निपटने में भारत की संभावित नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित करते हैं, यानी जलवायु परिवर्तन की दिशा में भी भारत और बेहतर प्रयास कर सकता है, क्यों, भारत पहले से ही एक्टिव पार्टिसिपेशन करता रहा है और उसके एग्जाम्पल में हम ISA को देख सकते हैं, CDRI इत्यादि को देख सकते हैं, ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। तीसरा, आप लोगों ने बताया आतंकवाद, बिल्कुल सही बताया था, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में भारत अपना रोल प्ले कर सकता है, हमें पता है आज आतंकवादी गतिविधियां नई नई सीमाओं तक पहुंच गई है, कोई भी देश परिवर्तित होती आतंकी गतिविधियों की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकता, आज ये आतंकवादी गतिविधियां भी परिवर्तित होती जा रही हैं, भारत को अपने कार्यकाल का उपयोग समाधान तलाशने के लिए, देशों को बाध्य करने, विशेष तौर पर आतंकी वित्त पोषण अवसंरचना, साइबर खातों, राज्य और गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा सूचना और संचार, मतलब बेसिकली भारत इसमें ना बहुत बड़े स्तर पर काम कर सकता है, हम आतंकवादियों के वित्त पोषण को रोके, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रोके, साइबर खतरों को रोके, इस दिशा में भारत बड़ा प्रयास कर सकता है। भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र और वित्तीय कार्यवाही बल FATF, आपको पता होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मध्य और अधिक सहयोग और समन्वय, हम ऐसी इकाइयों के साथ और ज्यादा सहयोग करके और ज्यादा समन्वय करके आतंकवादी जैसी जो गतिविधियां हैं इनके ऊपर कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, तो आतंकवाद के खिलाफ भारत काम कर सकता है। और क्या कर सकता है भारत, चीन की बढ़ती शत्रुता से निपटना, जो अभी रामेश्वरी ने जो पॉइंट बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग तरीके से, जैसे यूएनएससी में भारत की उपस्थिति चीन की कपटपूर्ण मंशाओं से देशों को अवगत कराने और आम सहमति निर्मित करने में सहयोग करेगी, यानी भारत अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बना के दिखा सकते हैं कि देखो भाई हम मानदंडों पे खरे उतरते हैं और एक देश की शत्रुता के कारण हम यूएनएससी से बाहर है, तो हम विश्व के अन्य देशों का समर्थन अपने पक्ष में कर सकते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं चीन की बढ़ती शत्रुता से निपटने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज जो है विश्व के देशों को अपने पक्ष में करके भारत कर सकता है। अगला और क्या कर सकता है, क्वाड जैसे गठबंधनों को मजबूत कर सकता है, भारत सुरक्षा के क्षेत्र में फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने यूरोपियन भागीदारों के साथ सहयोग करने तथा ब्रिटेन के साथ संबंधों को अधिक सुदृढ़ करने के अवसरों का अन्वेषण करने के लिए यूएनएससी के कार्यकाल का उपयोग कर सकता है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन यूनियन EU से पृथक होने के पश्चात अपने लिए नया अंतरराष्ट्रीय मार्ग तलाश रहा है। क्वाड जैसे नए गठबंधनों को मजबूत करना, क्वाड तो बन ही गया, क्वाड में तो सोचना ही नहीं है, मेरी बात समझे, यानी क्वाड तो आपको पता है अमेरिका जापान भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है जो दक्षिण ये क्या नाम है हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्वतंत्रता
फ्री नेविगेशन इत्यादि के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। क्वाड जैसे नए गठबंधनों को हम बना सकते हैं, ईयू के अलग अलग देशों के साथ गठबंधन बना दें, हम फ्रांस के साथ, हम जर्मनी के साथ, हमें पता है ब्रिटेन ईयू से अलग हो चुका है, तो हम ईयू से और ब्रिटेन सहयोग के नए नए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग खोज रहा है, तो ऐसे में हम इन देशों के साथ अलग अलग गठबंधनों का स्वरूप निर्मित करके सहयोग और विकास के क्षेत्रों को खोल सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, क्वाड जैसे नए गठबंधनों का प्रयोग कर सकता है, बना सकता है भारत, विकास के नए अवसर खोल सकता है, और क्या कर सकता है, वैश्विक दक्षिण में अपने पारंपरिक भागीदारों के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करना। जो वैश्विक दक्षिण है यानी विश्व भर के कई लघु द्वीपीय देश वैश्विक तापन और समुद्री जल स्तर के बढ़ते खतरे के कारण अस्तित्व जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यूएनएससी में इन द्वीपीय देशों की शांति और सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त करके इनकी संप्रभुता और उत्तर जीविता का समर्थन करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन द्वीपीय देशों की जो शांति है और सुरक्षा चिंताओं को हम व्यक्त कर सकते हैं, इनके मुद्दों को यदि उठाएंगे तो ये भारत के समर्थन में आएंगे कि नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है भाई, हम इनके मुद्दों को उठा रहे हैं तो ये हमारे समर्थन में आएंगे ना, तो हम अपना एक जो वैश्विक दक्षिण में जो हमारे पारंपरिक भागीदार हैं, हम उनको और करीब ला सकते हैं अपने। और इसके साथ ही यूएनएससी का कार्यकाल भारत के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अफ्रीका में शांति सुरक्षा के, यानी अफ्रीका इत्यादि में भी शांति सुरक्षा के मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं, यानी इसी दक्षिण में आ जाएगा ना, वैश्विक दक्षिण में। एक तो छोटे छोटे देशों को मुद्दे उठाना, द्वीपीय देशों के, अफ्रीका के मुद्दों को उठाना, तो इससे हम अपने लिए एक सकारात्मक आधार का निर्माण कर लेंगे विश्व के स्तर। और क्या कर सकता है, उभरते मुद्दों पर वाद विवाद को आकार देना, जैसे भारत को वर्तमान की कुछ सबसे गंभीर शांति और सुरक्षा चुनौतियों पर बहस को आकार देने का अवसर प्राप्त होगा। भाई भारत बड़े स्तर पे वाद विवाद कर सकता है ना वैश्विक मुद्दों पे, कौन कौन से, जैसे म्यांमार में व्याप्त मानवीय संकट है, रोहिंग्या इन सब का मुद्दा है, ईरान परमाणु समझौता, COVID-19 महामारी, ठीक है, तो इन सब मुद्दों से रिलेटेड भारत अपने विचार रख सकता है, रिप्रेजेंटेशन कर सकता है विश्व का इन सब मुद्दों पे। जैविक युद्ध से लेके जैसे महामारी ने रोजगारों के दुर्भावनापूर्ण उपयोग की संभावना और जैविक युद्ध की संभावना को संवेदनशील बनाया है, तो इन जैसे मुद्दों को उठाना। भारत के पास रचनात्मक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ नेटवर्क निर्मित करने का एक अवसर है। भाई जो हमसे समान विचारधारा रखते हैं, हमारे जैसे विचार रखते हैं, हम ऐसे देशों को अपने साथ में मिला के विश्व के सामने आने वाली चुनौतियों का निदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, है ना। और साथ ही बढ़ता परमाणु जोखिम, भारत परमाणु जोखिम और हथियारों के उन्मूलन की दिशा में हो रही प्रगति का सार्थक परीक्षण करने के लिए निशस्त्रीकरण पर विशेष सत्र का समर्थन कर सकता है। निशस्त्रीकरण इत्यादि की दिशा में हम प्रयास करवा सकते हैं, जैविक युद्ध, बढ़ता अन्य जो संकट है विश्व के, उन पे हम एक सकारात्मक वार्ता के माध्यम से वाद विवाद, जो विवाद है उनकी समाधान की दिशा में प्रयास कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और क्या कर सकता है भारत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा बनता है यहाँ से, हालांकि इस बार नहीं बना तो अगली बार थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत यूएनएससी का काउंसिल का फिर अस्थायी सदस्यता तो चली जाएगी 23 में, लेकिन फिर भी मान लो पीसीएस वगैरह दे रहे हो तो संभावना बनती है, या फिर आप सीधा सीधा मतलब ये कभी क्वेश्चन बन जाए कि भाई यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य यदि मतलब स्थायी सदस्य यदि भारत बन जाता है तो इससे क्या क्या फायदा हो, मेरी बात समझे, तो इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन बन जाए कि भाई क्या मिल जाएगा अगर भारत यूएन की स्थायी सदस्यता ग्रहण कर लेता, तो इस सारे मुद्दे तो भारत ये सब कुछ कर पाए, मेरी बात समझे, क्वेश्चन को कैसे आपस में जोड़ना है तोड़ना है। अब वहां पे ये पॉइंट आएगा नहीं जो मैं अभी बता रही हूँ, स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत के प्रवेश का चीन द्वारा बार बार विरोध किया जाता है, ध्रुवीकृत परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकारों पर ईमानदार नेतृत्व का प्रदर्शन, यदि भारत एक ईमानदार नेतृत्वकर्ता के तौर पे काम करता है ना अस्थायी सदस्य के तौर पे, तो भारत की दावेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, भारत का दावा और मजबूत हो जाएगा यूएन की
ये परमानेंट सीट के लिए, शांति बनाए रखने के प्रयासों में सुधार लाना, तो भारत यूएन में शांति सैनिकों के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, शांति प्रयासों के लिए भारत हमेशा त्वरित रहता है, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब शांति मिशन में आईसीटी का प्रयोग करके भारत और ज्यादा पॉजिटिव दिशा में इसको लेके जा सकता है, उपनिवेशवाद और रंग भेद के खिलाफ भारत लड़ाई करके क्या कर सकता है, वही सारी चीजें आएंगी, शांति स्थापना, ये तो फिर एक अलग मुद्दा हो गया कि भारत और संयुक्त राष्ट्र आ गया, भारत और संयुक्त राष्ट्र में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अब मुझे ये बताओ, यदि आपसे ये पूछ ले, मतलब ये तो पुरानी सी बात हो गई, क्योंकि 2023 में जब आप मेंस लिख रहे होंगे, भगवान करे लिखें, तो उस समय ये पुराना हो चुका होगा क्वेश्चन, लेकिन ये नए तरीके से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बन जाता है तो भारत क्या फायदा होगा उसका, भारत और विश्व को क्या फायदा होगा, तो आप ये सारी चीजें बता सकते हो कि एक प्रभावी प्रतिनिधि बना देगा, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, चीन की शत्रुता, क्वाड जैसे गठबंधनों का प्रयोग कर लेगा अपने हित में, या जो दक्षिण देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाएगा, या उनकी समस्याओं के समाधान करने में, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी वहां पे, फिर हमें भारत का फायदा ना दिखा के हमें विश्व का फायदा दिखाना होगा कि भाई यदि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाता है तो विश्व की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान में भारत बहुत एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, बस थोड़ा सा आइडिया बदल जाता है। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है तो वही सारी चीजें होंगी, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, है ना, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये मैं आप लोगों को पढ़ाई चुकी हूँ, भारत और संयुक्त राष्ट्र, उपनिवेशवाद कैसे जुड़ा हुआ है भारत, तो उपनिवेशवाद और रंग भेद की लड़ाई के खिलाफ जुड़े हैं हम शांति मिशनों में, इसमें थोड़ी और डिटेल दे दी गई है, विकास और आर्थिक मुद्दे, आतंकवाद, मानवाधिकार, है ना, तो ये देख लेना आप। और फिर आतंकवाद पर समितियों के अध्यक्ष के तौर पर भी भारत ने काम किया है, आतंकवाद रोधी समिति बनी है, तालिबान प्रबंधक समिति बनी थी 1988 में लीबिया पे, इतना जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि भारत क्या क्या कर सकता है और भारत क्या क्या कर रहा है। अब एक बार देख लें भारत और यूएन में भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, ये हमने पीछे नहीं देखा, हमने ये देख लिया था भारत यूएन से कैसे जुड़ा है, तो चुनौतियां क्या है, एक तो आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति का अभी भी अभाव है, हमें पता है 1996 में हम सीसीआईटी का मसौदा प्रस्तुत किया, भाई सीसीआईटी लाया जाए, एक आतंकवाद की सामान्य परिभाषा बनाई जाए, इसकी परिभाषा पे आम सहमति का अभाव है, हालांकि सीसीआईटी को संयुक्त राष्ट्र में गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आतंकवाद की सटीक परिभाषा पर विभिन्न देशों के मध्य बुनियादी मतभेद मौजूद है, अभी भी सीसीआईटी को लेके बहस जारी है और एक आम सहमति नहीं बन पाई है। दूसरी चुनौती है ये चाइना, ये चाइना की वीटो के कारण भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बन पा रहा, जैसे आप देख रहे हो कि वैश्विक नियमों को भी चाइना चुनौती देता है, जैसे पीछे आईसीसी के कोर्ट को पलट दिया था, पलटा नहीं था, उसका आदर नहीं किया था, उसको माना ही नहीं था चाइना ने, तो ये वैश्विक नियमों को भी चुनौती दे रहा है। चीन द्वारा बहुपक्षीय स्तर पर पाकिस्तान का सतत समर्थन करते रहना भी भारतीय हितों को और कमजोर करता है ना, तो हमारे लिए एक चुनौती है सीसीआईटी पे आम सहमति का ना होना, दूसरी चुनौती है चाइना, तीसरी चुनौती है कोविड पश्चात वैश्विक व्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था देख लो, मंदी देख लो, हेल्थ आपात स्थिति का सामना कर रहे विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यवस्था के दौर से मतलब अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा है, इसके साथ ही विश्व भर में संकीर्ण राष्ट्रवाद तेजी से प्रसारित हो रहा है जो वैश्विक सहयोग की संभावनाओं को चुनौती दे रहा है। संकीर्ण राष्ट्रवाद आप हर जगह देखोगे, आजकल छोटी सी बात से भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है, और ये केवल भारत में ही नहीं हो रहा, विश्व भर में हो रहा है, संकीर्ण राष्ट्रवाद उभर रहा है, और जब भी ये एक दौर आता है, संकीर्ण राष्ट्रवाद कोई सॉल्यूशन नहीं है विश्व का, है ना, जब संकीर्ण राष्ट्रवाद जैसी ताकतें उभरती हैं तो विश्व पीछे ही जाएगा, सहयोग का विकास का रास्ता कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है इन सब बाधाओं से, तो ये भी एक चुनौती है भाई कोविड के पश्चात की जो विश्व व्यवस्थाएं हैं। अगली चुनौती है वैश्विक भू राजनीति, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य जटिल होते संबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, मतलब बहुत, और यूक्रेन और रूस, ये सारी चीजें आप बता सकते हो जो आपको विश्व भर में दिख रहा है ना, तो ये वैश्विक भू राजनीति भी संयुक्त राष्ट्र और भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती है भाई, इससे भी तो वैश्विक शांति को एक
झटका लगता है ना इस तरीके की जो घटनाएं होती है। आगे की राह, जब भारत शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश कर रहा है, तो वर्तमान स्थिति, अच्छा ये तीसरी बार है भाई अध्यक्ष अध्यक्ष बना है वो, आठ बार तो अलग बातें हैं। 1991-92 में हम रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर, वो महासभा होगा मेरे ख्याल से, और 2011-12 में रहे और 21-22 तीसरी बार हम यूएन की अस्थायी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारत भी विगत दर्शों में परिवर्तित हुआ है और भारतीय हितों की भी सीमा का विस्तार हुआ है, इसलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। भारत उसी अनुरूप अपने कार्यों को करे, उसी अनुरूप नीति निर्माण करे बदलते कार्य परिवेश के अनुसार, तो वो बेहतर होगा। मोटे तौर पे ये याद रखना है आपको जो मैंने बता दिया। एक बार मुझे ये बता दो, समझ में आ गया? तीन चार मुद्दे जो बनते हैं, यदि भारत बना तो क्या करेगा, क्या क्या चुनौतियां हैं भारत के सामने, तो क्या क्या चुनौतियां हैं वो दिख ही रही हैं, है ना, और आगे की राह आपने देख ली। इसको मैं अभी कर पाऊंगी, पहले मुझे एक बार ये बता दो ताकि मुझे ये लगे कि मैं बड़बड़ा नहीं रही हूँ, आपके दिमाग में जा रहा है। रमेश, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए डेवलप्ड कंट्री से क्लाइमेट फंड देने पर जोर, बिल्कुल सही बात है। ये सारी चीजें लिखनी होंगी, I2U2 भी और ओकस जैसे ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी विद क्लाइमेट, ठीक है, समझ में आ रहा है वैभव? I2U2 ना यूट्यूब पे करा दूंगी, I2U2 इज मतलब करंट टॉपिक है वो, है ना, मैंने छोटा सा एक मिनट में पढ़ाया भी था कभी, लेकिन अभी मैं डिटेल में आपको यूट्यूब पे करा दूंगी, है ना। मैम, भारत के कार्यकाल के दौरान किया गया काम और यदि सदस्यता मिल जाए तो क्या कर सकता है, तो इन दोनों में सेम काम वाला ही पॉइंट ही लिखेंगे, मैंने यही बोला, मैंने आपको बोला बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी बच्चे। जैसे ये होगा ना कि इससे, जैसे मान लो एक है कि जो मान लो दक्षिण के देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा, जिससे भारत को स्थायी सदस्यता मिलने में सहयोग होगा, लेकिन जब ऑलरेडी भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई तो हमें बस अपनी लैंग्वेज इस तरीके से घुमा देनी है कि भारत क्या क्या कर पाएगा। भारत को यदि स्थायी सदस्यता दे दी जाए तो आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है, UNSC को और अधिक प्रतिनिधि मूलक बनाना है, दक्षिणी देशों की आवाज को उठाना है, मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाना है, विश्व भर में हो रही घटनाओं के ऊपर एक बेहतर मध्यस्थता का माहौल क्रिएट करना है, वाद विवादों का समाधान वार्ता के माध्यम से निपटे इसका प्रयास करना है, तो ये सारे काम भारत कर पाए, ध्यान रखिएगा, मेरी बात समझ गए ना, वेरी गुड। अब यदि मैं ये देखूं इसी भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या इस कारण UNSC में भारत का नया कार्यकाल अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यवहारिक होना चाहिए, वही वाली बातें हो रही हैं कि भाई भारत को जो अस्थायी सदस्यता मिली है एक उद्देश्यपूर्ण कार्यकाल होना चाहिए और भारत को बहुत ही बेहतर तरीके से उस कार्यकाल का प्रयोग करना चाहिए, बदली हुई परिस्थितियों से अनुकूल करने और अति महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से बचने का है, व्यवहारिक धरातल पर रहते हुए भारत को पॉजिटिव प्रयोग करना चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की उक्ति में भारत का विश्वास भू राजनीतिक विभाजन को करने में अभिव्यक्त होना चाहिए, भू राजनीतिक विभाजन को कम करने में, यानी हम वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पे चले, हम इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख के चले। इसके साथ भारत स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे चिंतनीय मुद्दों में वैश्विक न्याय सुनिश्चित करने में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, भाई भारत इन सब मुद्दों में भी अपनी भूमिका निभाए, कोर एरिया यहीं से बनता है क्वेश्चन, बाकी तो फिर ये आपको पता है। परिषद में स्थायी सीट हेतु भारतीय हित, तो ये संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली है, जैसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली यदि हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र की सभी पहलों, उदाहरण के लिए MDG था पहले, अब SDG हो गया है ना, पहले 15 लक्ष्य थे, अब 30 लक्ष्य है पूरे विश्व भर के, है ना, सतत विकास लक्ष्य है। UNFCCC कन्वेंशन में सक्रिय भागीदार रहा है भारत, भारत विकासशील देशों G77, यूनिसेफ, यूनेप, नैम इत्यादि का संस्थापक सदस्य रहा है और सबसे बड़े संयुक्त राष्ट्र शांति प्रदाता में से एक रहा है, तो वो सारी चीजें जो मैं आपको बता चुकी हूँ। भारत के आंतरिक मूल्य देख लो, यानी वो के 8-10 जो आधार है ना, उन सब आधारों पर भारत खरा उतरता है, तो इन आधारों पर भी भारत एक मजबूत दावेदार बनता है UNSC की सदस्यता के लिए। देखो, पहले आपसे कोई पूछता होगा ना कि क्या भारत को UNSC की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, तो दिमाग में ना एक शांति सी छाती होगी, हम क्या बोले,
लेकिन इन सब बातों के आधार पे आप बता सकते हो ना कि भाई भारत एक मजबूत दावेदार है यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का, चाहे हमारे सिद्धांत हैं, चाहे फिर वो सारे मानदंडों पे भारत का खरा उतरना है ना। तो ये सारी चीजें वही हैं। अब हम एक बार देख लें कि भारत की रणनीति क्या है, एक बार एक स्लाइड में देख लेते हैं कि यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए भारत की रणनीति क्या है। तो हमें पता है संयुक्त राष्ट्र महासभा में अधिकतम समर्थन प्राप्त करना तथा संयुक्त राष्ट्र, देखो दो चीजें, एक तो महासभा में अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त करना, महासभा का मतलब है टोटल 193 कंट्रीज सब महासभा की मेंबर होती हैं। तो हम जिस भी कंट्री के साथ संबंधों को निर्मित करते हैं ना, तो हमारी पहली चीज होती है कि भाई आप हमें समर्थन दोगे ना यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए, तो कंट्रीज बोलती है हाँ भाई हम समर्थन देंगे, तो हमारे कंट्री के साथ सहयोग और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा समर्थन प्राप्त करना महासभा में, और यूएनएस जो ये क्या नाम है सिक्योरिटी काउंसिल में अपने प्रतिरोध को कम करना, कहीं ना कहीं एक प्रयास तो ये होगा भारत। उसके अलावा भारत G77 नैम का प्रयोग कर सकता है ना, इनके नेतृत्व के माध्यम से समर्थन हासिल कर सकता है। P5 के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, 2005 में अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता हो, चाहे रूस ने फिर इसको दोहराया, चीन के साथ संबंधों में सुधार कर रहे हैं। P5 कौन से हैं, जो 5 के 5 स्थायी सदस्यता है, स्थायी सदस्य है ना, इन P5 के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है भारत। इसके साथ भारत ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर G4 का भी निर्माण किया है, ताकि संयुक्त राष्ट्र, ये आप बता सकते हो कि भारत की आकांक्षा भी और भारत निरंतर प्रयास कर रहा है, एक प्रयास तो यही है कि हम महासभा में समर्थन बढ़ाएं, ये सुरक्षा परिषद में प्रतिरोध को कम करें, हम G77 के माध्यम से, नैम के माध्यम से, P5 के साथ संबंधों में सुधार कर रहे हैं, हम ये G4 के माध्यम से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ। आज आपको आंसर लिखना है यही कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत को क्यों मिलनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्य, ये जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत को क्यों मिलनी चाहिए और भारत इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है। लिख दोगे भारत को क्यों मिलनी चाहिए, उसके क्या क्या आधार है और भारत इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा यदि यूएन से क्वेश्चन आया तो। बाकी ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यूएनएससी क्या है भाई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है। निर्णय लेने की शक्ति केवल सुरक्षा परिषद के पास होती है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं विश्व भर में, बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो सिर्फ सुरक्षा परिषद लेती है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। प्रस्तावित सुधार क्या है, तो इसमें सुधारों के मुद्दे चले हुए हैं कि भाई एक तो स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार करो, ज्यादा से ज्यादा मेंबर को इंक्लूड करो। वीटो के प्रश्न पे अलग अलग मत है, कुछ लोग कहते हैं वीटो को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वीटो कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, कहीं ना कहीं संप्रभुता की समानता के खिलाफ है ना। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, एक विस्तारित परिषद का आकार दिया जाए ताकि और ज्यादा विस्तारित होकर काम कर सके, और ये सारे इसके सुधार के मुद्दे हैं। इसके समक्ष चुनौतियां क्या है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ भारत के समक्ष चुनौतियां क्या है। तो पहली चुनौती तो यहीं से देखो, ये जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी है ना, ये क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी कौन से हैं, वो कॉफी क्लब वाले। इस कॉफी क्लब द्वारा G4 का विरोध किया जाना, ये G4 वही है जर्मनी, ब्राजील, जापान और भारत का जो संगठन है जो यूएन की स्थायी सदस्यता में सुधार की बात करता है, तो इसका विरोध। फिर मौजूदा P5 के देश जो हैं ये यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, ये विस्तार का विरोध करते हैं। इसके साथ ही यूएनएससी के मुद्दों के नियामक पहलुओं, मतलब बेसिकली सहमति नहीं बन पा रही, और कहीं ना कहीं कर्मचारी वित्त बौद्धिक और संस्थागत आधारभूत जो संरचना इत्यादि ढांचों का अभाव है, तो ये सारी चुनौतियां हैं। चाइना एक चुनौती है, सुधारों की क्यों जरूरत है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्यों जरूरत है सुधारों की, अभी भी ये 1945 की संस्था की तरह काम कर रहा है, ठीक है। राष्ट्रों की संप्रभुता का अतिक्रमण करती है ये, मैं आपको बता चुकी हूँ भाई, संप्रभुता की समानता का उल्लंघन करती है। यूएनएससी में केवल 5 देशों को ही स्थायी सदस्यता है, स्थायी सीट के लिए नए उम्मीदवारों का आना जरूरी है, विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो ऐसे में ये सारी, और इसके अलावा हम देखें तो अफ्रीका का प्रतिनिधित्व ही नहीं है, एशिया, लैटिन अमेरिका,
कैरिबियन कंट्रीज का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो आप देखोगे कि विश्व स्तर पे भी कंप्लीट असमानता दिखती है, केवल राष्ट्रों के स्तर पे नहीं, महाद्वीपों के स्तर पे भी असमानता दिख रही है। तो इसलिए सुधार जरूरी है ना, और उन सुधारों के लिए क्या क्या प्रयास होने चाहिए, भारत की दावेदारी क्यों मजबूत है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा आप लोगों का यदि क्वेश्चन आया। बता दो समझ में आया, बताओ फटाफट। कल हम करेंगे ब्रिक्स निपटा देंगे, कल 20 मिनट का है, 25 मिनट का, उसके बाद आशियान, उसके बाद ये एडीबी वगैरह मैं देख लूंगी अभी, ठीक है। कल हमारा आईआर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो करंट के दो चार टॉपिक बच गए ना, जैसे I2U2, ये मैं करंट पे पढ़ाऊंगी, न्यूज में पढ़ाऊंगी, इसके अलावा हमारा कुछ बचता नहीं है आईआर में, कंप्लीट हो गया है हमारा आईआर लगभग। अच्छा मुझे बताओ, आईआर जिस बच्चे ने पहले कभी नहीं पढ़ा था, मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनको आता था, जिस बच्चे ने कभी कभी नहीं पढ़ा था उसको आईआर थोड़ा बहुत समझ में नहीं, शाम वाले नहीं होंगे बच्चे, उसको आईआर समझ में आने लगा, कुछ कुछ किसी भी देश के साथ संबंध आ जाए बेहतर कर दोगे, या जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी, चाहे वो चाइना से रिलेटेड है, पाकिस्तान से, मैंने मतलब ए टू जेड आप लोगों को कंप्लीट करवाने का प्रयास किया है, आईआर को समय दिया है, और बहुत ही मेहनत से मैंने मतलब सारी चीजों को इंक्लूड किया। थोड़ा ये बैच थोड़ा सा लंबा चल गया ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन पर्सनल रीजंस तो किसी के भी हो सकते हैं, और उन पर्सनल रीजंस में भी बीमारी सबसे बड़ा रीजन थी। 7-8 दिन तो मैं बीच में बोल ही नहीं पाई थी, मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पा रही थी, तो मैं पढ़ाती कैसे, तो वो मेरी गलती है कि बीच में थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन कल आपका बैच ये कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी के हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को बीच में संडे को, मैं संडे को ही, अगर मुझे इस संडे कहीं जाना नहीं रहा, मुझे 18 को जाना है कहीं, ठीक है, तो आपका मैं वो भी करवा दूंगी, है ना, क्लियर है ना। चलो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यूएन कंप्लीट हो गया, कल हम मिलेंगे आईआर की लास्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली, और यदि कुछ बचता है ना तो ये मत सोचो लास्ट ही रहेगा मैम ने, और यदि आपके दिमाग में कुछ भी आता है ना आप मुझे बता देना कि मैम हमारा ये छूट गया है ना, तो मैं 1-2 दिन और पढ़ा दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे साइड से ना नहीं है कभी भी, है ना, मेरे साइड से हाँ है। इनफैक्ट मुझे आप 10 दिन बाद आप लोगों को कोई टॉपिक याद आ रहा है कि मैम ये और करवा दो हमको, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आपका ग्रुप ओपन है, मैं ग्रुप डिलीट नहीं करने जा रही हूँ, आप लोग मुझे जब बताओगे मैं 1-2 दिन का टाइम लेके उसके नोट्स प्रिपेयर करा के वो भी पढ़ा दूंगी आप लोगों को, है ना। यदि आप मेरे से जुड़े हो तो आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेरा उत्तरदायित्व है आप लोगों के प्रति, और मैं कभी भाग नहीं रही हूं अपने उत्तरदायित्व से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हो परी, गवर्नेंस, देखो 17 तारीख को ना, मैं मंडे का तो कैलकुलेशन कर लिया था, 17 तारीख को ना हमारे यहाँ पे हरियाणा में होता है होई अष्टमी का व्रत होता है, वो अपने बच्चे के लिए होता है। देखो कुछ कुछ चीजें हमें माननी पड़ती हैं, अब जैसे एक कोई बच्चा है बोल रहा था फास्ट है तो पढ़ते नहीं है क्या, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता है कि जिस दिन फास्ट होता है ना, ये जो 2-3 व्रत होते हैं, खासकर जो कल करवा चौथ का फास्ट है या फिर होई अष्टमी का फास्ट होता है, ये निर्जला होते हैं। निर्जला का मतलब समझते हो आप, जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं पीते, और यदि बिना पानी पिए मैं कंटिन्यू 2 घंटे बोलूंगी तो एक बार बताओ मेरी हालत क्या होगी, खुद सोचो ना, मैं बिना पानी पिए कैसे पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, मैं बिना पानी पिए नहीं पढ़ा सकती हूँ भाई, सिंपल सी बात है। तो इसलिए उसमें 2 दिन का डिले होगा, क्योंकि 17 तारीख को मेरा फास्ट है और 18 तारीख को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए मुझे जाना है हरियाणा, तो मैं कल हरियाणा कल नहीं निकलूंगी, मैं हरियाणा को सुबह 6 बजे निकलूंगी, और मैं 18 तारीख को रात में ही कोशिश करूंगी आ जाऊं, तो 19 तारीख से हमारा शुरू हो जाएगा, है ना। हिमानी कह रही है जो भी है यार, मैं मतलब बस मुझे थोड़ी हंसी आ जाती है ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि इनको ना कुछ नहीं करना होता, इनको बस कमेंट पास करने होते हैं, फास्ट में पढ़ाई नहीं होती है क्या, अरे बिना पानी पिए बोला जाएगा क्या भाई, बता दो एक बार। एनीवे, अरे सबको पता होता है, सबके घर में फास्ट होता है। एनीवे कोई बात नहीं, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।